हमारा ये जो चैप्टर था इशू ऑफ डिबेंचर, आपको जो नोट्स दिए हैं उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट था इशू ऑफ डिबेंचर, अब इसका सेकंड पार्ट है रिडम्पशन डिबेंचर। फिर से काउंटिंग शुरू हो गई है, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से पेज नंबर 8 पे आ गया। क्यों? क्योंकि पार्ट हमारा चेंज हो गया। तो अभी तक हम कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर, अब शुरुआत होगी रिडम्पशन डिबेंचर। खास बात यह है कि मैंने आपको रिडम्पशन के लिए जो ज़रूरी जर्नल एंट्री है वो इशू के वक्त ही बता दी थी। 6 केसेस मैंने आपको बताए थे जिनमें इशू के वक्त और रिडम्पशन के वक्त होने वाली जर्नल एंट्री बताई गई थी। तो रिडम्पशन और डिबेंचर मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। फिर इस चैप्टर में नया क्या है जिसके लिए फिर से क्वेश्चन दिए गए हैं? मैंने आपको रिडम्पशन की जर्नल एंट्री तो बता दी है, लेकिन उन जर्नल एंट्री को करने से पहले आपको अपने क्वेश्चन को रेडी करना पड़ेगा। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिडम्पशन कर सकते हैं। जर्नल एंट्री आपने भले ही बना लिए हैं, सीख लिया है, वही एंट्री मैं फिर से यहाँ पे करके दिखाऊंगा जो पहले हमने 6 केसेस किए थे। इशू की 2 जर्नल एंट्री की थी, रिडम्पशन की भी 2 जर्नल एंट्री की थी, लेकिन वो दो जर्नल एंट्री रिडम्पशन की करनी है, उससे पहले आपको काफ़ी कुछ चेक करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दूँ, हमने 5 लाख रुपये का या 5 करोड़ का लोन लिया था आज से 5 साल पहले, तो जर्नल एंट्री कर दी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन और परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। अब 5 साल पूरे हो गए, हमें लोन लौटाना है, उसकी एंट्री मैंने आपको पहले ही बता दी थी। क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। लेकिन भैया 5 करोड़ रुपये लौटा रहे हो, एक बार बैंक में जाके पूछ तो लो बैंक बैलेंस 5 करोड़ है कि नहीं। ऐसे कैसे आप लौटाने की जर्नल एंट्री बना देंगे बिना बैंक बैलेंस चेक किए? आपने उससे पैसा लिया, उस समय बैंक बैलेंस था, फिर आपने वो पैसा बिजनेस में कहीं कहीं लगा दिया होगा, उस पैसे से आपने मशीन खरीद ली, उस पैसे से आपने बिल्डिंग खरीद ली, उस पैसे को आपने स्टॉक में डाल दिया। आपको फिर से क्या लिक्विडिटी नहीं इकट्ठी करनी पड़ेगी? फिर से बैंक बैलेंस नहीं बनाना पड़ेगा? या आप उसे बोल देंगे भैया ऐसा कर, तू 2 लाख रुपये की मशीन तू ले जा, तेरे पैसे से मशीन खरीदी थी, दूसरे को बुला के कुछ और पकड़ा देंगे, किसी को आटा, किसी को दाल, किसी को चावल, ऐसे चलेगा क्या? आपको किस फॉर्म में रिटर्न करना है? बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए। तो इसका ना रिडम्पशन तो करेंगे, वही 2 जर्नल एंट्री करेंगे, लेकिन हमें अपना बैंक बैलेंस चेक करना, और उसके अलावा सरकार ने भी कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, उन रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना पड़ेगा। रिडम्पशन की एंट्री हम जानते हैं, सिर्फ हमें वो फॉर्मेलिटीज़ क्या है उनको एक बार समझना पड़ेगा कि रिडम्पशन करने से पहले कंपनी को क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। इसमें हो सकता है कोई रिजर्व बनाना पड़े, हो सकता है सरकार प्रोटेक्शन के लिए कुछ परसेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोले, क्योंकि जो पैसा तुम्हें मिलता है सारा का सारा पैसा बिजनेस में लगा दोगे एकदम से कहाँ से लेकर आओगे? कुछ पैसा हर साल अपनी इनकम में से बचाते रहो और इन्वेस्ट करते चलो, कुछ परसेंट तो उस इन्वेस्टमेंट से रिकवरी हो जाएगी लास्ट में, बाकी तुम बिजनेस में इकट्ठा कर लेना, कुछ रिजर्व क्रिएट करो। तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज हमें मेन करनी है इस चैप्टर में, कि कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है रिडम्पशन शुरू करने से पहले। रिडम्पशन की एंट्री आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है, सिर्फ वो लीगल फॉर्मेलिटीज मैंने बतानी है, और वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज आपके नोट्स में आपको गिवन है। पेज नंबर 20 अगर आप खोलोगे तो वहां पर क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई है, मिल गया? सबसे पहली लीगल फॉर्मेलिटी आपकी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की होगी। नाम से देखो पता चल रहा है डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए रिजर्व बनाना पड़ेगा। रिजर्व का मतलब तो आप समझती होगी, रिजर्व का मतलब है हम अपनी जो इनकम अर्न करते हैं उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसमें से कुछ पैसा लाइक गुल्लक में डाल देंगे। पर गुल्लक कब फोड़ी जाएगी? जब डिबेंचर का रिडम्पशन होगा। तो हमें रिडम्पशन करने के लिए सरकार ने क्या बोला है, क्या बनाना पड़ेगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एक गुल्लक तैयार करनी पड़ेगी जिसमें कुछ परसेंट, नॉट 100%, लेकिन कुछ परसेंट तो आपको सेव करना पड़ेगा, बाकी पैसा ऑन द स्पॉट आप इंतजाम कर लेना, लेकिन कुछ परसेंट तैयारी पहले से जरूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसमें 3 टाइप की कंपनीज बताई गई है और उसके लिए कितना परसेंट मिनिमम तैयारी जरूरी है वो भी बताया गया है। सबसे पहले बैंकिंग कंपनी, बैंक क्योंकि फाइनेंस का ही काम करते हैं, उसके लिए रिजर्व बनाना जरूरी नहीं है, वो कभी भी डिबेंचर के लिए रिजर्व बनाए मस्ट नहीं है क्योंकि उनका काम ही फाइनेंस का है। तो बैंकिंग कंपनी के लिए किसी भी टाइप के डिबेंचर का रिडम्पशन होगा तो उन्हें कोई भी प्री वर्क, प्री तैयारी करने की जरूरत नहीं, उनका 0 रिजर्व भी होगा तो चलेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, बैंक नहीं है फाइनेंस का लेकिन काम करते हैं, तो उसमें अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसको कम से कम कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? 25% का रिजर्व तैयार करना पड़ेगा।
अगर 1 करोड़ रुपए का डिबेंचर रिडम्पशन करना चाहते हैं तो कम से कम 25 लाख रुपए का रिजर्व इकट्ठा करना पड़ेगा, बल्कि 75% चाहे वो उसी वक्त तैयार करे कहीं से कम 25% रेडी होना चाहिए। और अदर कंपनीज जो है, मेनली हमें जो क्वेश्चन करना होगा वो अदर कंपनीज का करना होगा, और उसमें हमारी तैयारी कितनी होनी चाहिए रिडम्पशन शुरू करने से पहले, कम से कम गुल्लक में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की जो खोली है हमने 25% डिपॉजिट करेंगे। कहाँ से होगा इसमें डिपॉजिट? ऑब्वियसली जो हम हर साल पैसा कमा रहे हैं उसी से वो रिजर्व बनाया जाएगा। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बोले 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर का रिडम्पशन करना है तो समझ लेना रिडम्पशन करने से पहले 25% कम से कम 25 लाख का रिजर्व बनाना जरूरी है। बाकी पैसे का रिजर्व बनाना जरूरी है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप जितना ज्यादा रिजर्व बनाओगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उतना आपको ऑन द स्पॉट कम प्रॉब्लम होगी। 25% बनाओगे तो 75% इधर उधर से जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, अगर मौका मिले तो पूरे 100% रिजर्व बना लेना, लेकिन अगर 100 ना बना पा रहे हो तो कम से कम सरकार ने जो बोला है उतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वह है 25%। फिर इसमें लिखा है थस नॉन बैंकिंग कंपनी, नीचे लिखा है एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एट लीस्ट 25% ऑफ द अमाउंट रेज थ्रू द डिबेंचर इशूड बिफोर द डिबेंचर रिडम्पशन कमेंस। कह रहा है जो पैसा उसने इकट्ठा किया डिबेंचर के नाम पे उसकी वैल्यू का कम से कम 25% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व उसे बनाना पड़ेगा, किससे पहले? रिडम्पशन शुरू करने से पहले। फिर लिखा है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कौन सी अकाउंटिंग एंट्री की जाएगी? अकाउंटिंग एंट्री तो आसान है, हम अपना जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे रिजर्व बनाएंगे। इसमें अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट एंट्री व्हेन एवर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड, जब भी आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है वन और मैनी टाइम, क्या मतलब है इस बात का? कई बार रिडम्पशन आपको 5 साल बाद करना है, तो फिर 25% के लिए आपको 5 साल मिल गए, आप 5-5% भी हर साल डालेंगे तो 5 साल के अंदर 25% तो कम से कम हो ही जाएगा ना। आप अगर मौका मिल जाए तो 10-10% डालना तो 50% हो जाएगी, तो अच्छी बात है। मौका मिलने तो 100 मिले तो हम पूरा 100% भी रिजर्व बनाएंगे, क्योंकि जितना रिजर्व बन जाएगा उतना ही बेटर है, 25% तो मिनिमम है, तो आप एक से ज़्यादा ईयर में भी रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए मैनी टाइम भी हो सकती है एंट्री। क्या एंट्री बनेगी इसकी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या सरप्लस। मैंने बताया कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ किया जाएगा, सरप्लस यूज़ किया जाएगा, और उसको कहाँ पे डाल दिया जाएगा? टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। फिर जब तुम्हारा रिडम्पशन पूरा हो जाए, जब तुम्हारा रिडम्पशन कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद इस रिजर्व को जब हम काम खत्म कर देंगे तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो पैसा होता है उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो दो एंट्री होंगी, पहले क्रिएट करने की, और जब काम खत्म हो जाएगा तो उस रिजर्व को हम नाम बदल देंगे, जब तक डिबेंचर है तब तक वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जब डिबेंचर का रिडम्पशन हो जाएगा उसको कन्वर्ट कर देंगे जनरल रिजर्व में। ठीक है, एक दूसरी लीगल फॉर्मेलिटी और आपको चेक करनी पड़ेगी, वो है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। रिजर्व तो आपसे बनवा लिया सरकार ने, लेकिन कुछ पैसा आपको बिजनेस के बाहर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी वक्त जिस समय रिडम्पशन होगा आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, आपको बैंक बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार ने बोला कम से कम 15% आपको आउटसाइड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि 15% तो वहां से आए, बाकी 85% आप अपने आप जहां मर्जी से इंतजाम करना, लेकिन मिनिमम 15% आउटसाइड इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, जैसे ही फंड बन जाएगा वैसे ही उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। कंपनी दैट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शुड ऑल्सो सेट असाइड 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन बैंक डिपॉजिट और सर्टेन अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बिफोर 30th अप्रैल ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है जिस भी ईयर में मैच्योरिटी आए, नॉट एवरी ईयर, जिस साल में भी मैच्योरिटी आए, जैसे मैं कहता हूं एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए, 5 साल बाद वो पैसा लौटाना शुरू करेगी, और 5वें साल में भी पैसा जो लौटाएगी वो सिर्फ 20 लाख रुपए करके लौटाएगी, तो पहली बात तो 5 ईयर्स तक तो 5 ईयर्स तक तो उसने कुछ भी नहीं लौटाना, तो उसे सिर्फ क्या करना है, 5 साल के भीतर यहां तक आते आते 25% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है सिर्फ। तो इसका मतलब यहां तक आते आते उसके अकाउंट में कितने का रिजर्व इकट्ठा हो जाना चाहिए? 25 लाख रुपए का रिजर्व क्रिएट हो जाना चाहिए। अभी तक फॉर्मेलिटी सिर्फ इसकी है कि DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में उसे कितना परसेंट इकट्ठा करना है, 25 लाख।
अब इसके बाद रिडम्पशन शुरू होगा, रिडम्पशन शुरू होगा तो ये अगले 5 साल में धीरे धीरे पैसा लौटाएंगे, पहले 20 लाख, फिर 20 लाख, फिर 20 लाख, ऐसे करके 5 टाइम्स लौटाएंगे। दूसरे जो रूल है वो कह रहा है कि जब आपका रिडम्पशन शुरू हो जाए तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट होगी, जितने की भी पेमेंट होगी, उस साल के अप्रैल 30 से पहले आप 15% डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका लौटाना है पैसा, कितना लौटाना है, 20 लाख, इसका 15%, 3 लाख रुपए आप आउटसाइड इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि जब भी उसकी ड्यूट आए फटाफट 3 लाख तो वहां से आ जाए, बाकी बैंक बैलेंस आप मैंने। अगले साल मैंने कहा चलो मैं ज्यादा लौटाऊंगा, 30 लाख लौटाऊंगा, तो भाई इस साल भी आपको DRI फिर से करनी पड़ेगी, पिछले साल के लिए पिछले साल का DRI किया, इस साल 30 लाख रुपए आप लौटाना चाहते हो, तो 30 लाख का 15% कितना होगा, 4.5 लाख आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, DRI बनाना पड़ेगा, मतलब अपना 4.5 लाख रुपए इस साल पहले ही आउटसाइड में जमा करा देंगे, लौटाने तो 30 लाख है, लेकिन 30 अप्रैल से पहले पहले आपको कहीं बाहर 4.5 लाख रुपए जमा करा देने, ये हम पैसा लौटाएंगे उसकी तैयारी शुरू कर दिया, 4.5 लाख रुपए अभी ले लो, बाकी पैसा हम इंतजाम कर लेंगे ड्यू डेट तक, कितना 25.5 लाख रुपए आपको उस वक्त इंतजाम करने पड़ेंगे, चाहे जैसे मर्जी करो, लेकिन 4.5 लाख रुपए आपको एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ इस साल मैंने कहा बच्चा मैं 50 लाख भी लौटा दूंगा, हो जाएंगे 1 करोड़, तो इस साल आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितनी वैल्यू की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर से आपको उसका 15% निकालना पड़ेगा DRI में, और 15% 7.5 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आप ही की इन्वेस्टमेंट है, ये पैसा आप ही को रिटर्न मिल जाएगा जिस समय रिडम्पशन की ड्यू डेट आएगी, 30 अप्रैल को आप इसको जमा कराएंगे, और जब भी अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, जब भी रिडम्पशन की डेट आएगी, आप इस पैसे को विड्रॉ करने का अधिकार पा लेंगे। बात समझ आ गई, ये ध्यान रखना है जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट होगी उसी फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा देना है बस उसके लिए DRI उसी साल बनाना है। DRR रिडम्पशन शुरू होने से पहले बनेगा, और टोटल कितना रेडी करके रखना है, मिनिमम 25% आपको बनाने ही बनाना है, मौका मिले तो 100% बना लेना, लेकिन ये पहले का काम है, ये रिडम्पशन शुरू होने से पहले बनेगा। दूसरा काम रिडम्पशन के वक्त होगा, रिडम्पशन के वक्त कौन सा काम होगा, जिस भी ईयर में जितनी पेमेंट आपको करनी है, चाहे अगस्त के महीने में करनी है, चाहे सितंबर में करनी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक, उस ईयर के पहले महीने में, फर्स्ट मंथ, और फर्स्ट मंथ तो अप्रैल का होता है, अप्रैल में ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जो पैसा इस साल कभी भी लौटाएंगे उसका 15% आउटसाइड इन्वेस्टमेंट होगी। ये पैसा सिर्फ इन्वेस्ट होगा, बाद में रिकवर हो जाएगा जिस दिन रिडम्पशन होगा। मैं कहता हूँ 15 नवंबर को मैंने पैसा लौटाना है, मैं 15 नवंबर को जो पैसा इन्वेस्ट किया था सिक्योरिटी का वो निकालूंगा, बाकी पैसे अपनी जेब से डालूंगा, बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा और रिडम्पशन कर दूंगा। ये वर्किंग दोबारा से होगी, नेक्स्ट ईयर कितनी वैल्यू रिडीम करनी है उसके ऊपर फिर से डिसाइड किया जाएगा, और नेक्स्ट ईयर फिर से डिसाइड किया जाएगा। बात समझ आ गई है, रिडम्पशन की एंट्री आपको पहले बता दी गई है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन के अंदर इन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को ध्यान में रख के रिडम्पशन करेंगे, जो कि रिडम्पशन से पहले की एंट्री सारी है, ठीक है। पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 5 अब मैं करा रहा हूँ, जिसमें लिखा है कुबेर लिमिटेड इशूड 60,009% डिबेंचर 100 ईच ऑन 1st of April 2013, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31st of December 2016। एक कंपनी ने 60,000 डिबेंचर इशू कर दिए हैं, 9% डिबेंचर है, इशू के लिए उसने कुछ नहीं बताया किस रेट पे इशू किए, लेकिन रिडम्पशन के लिए बताया कि 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा। कुछ नहीं बताए जाने पर हम मान के चलेंगे इशूड एट पार है, लेकिन रिडम्पशन के बारे में तो बताया गया कि 110% पे रिडम्पशन होगा, 10% फालतू पे, तो ये केस हमारा क्लियर हो गया, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, और इस केस में कंपनी को 10 रुपीज़ का लॉस भी होगा, इंटरेस्ट तो वो देगी देगी, साथ में 10% एक्स्ट्रा उसको देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी जो बेसिक जर्नल एंट्री है वो बना लेते हैं। बेसिक जो हमारी जर्नल एंट्री होती है उसमें दो जर्नल एंट्री बनती है, और कौन सी डेट पे, 1st of April 2013 पर हम ये जर्नल एंट्री बनाना शुरू करेंगे। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट इसमें डला हुआ है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। जो भी कंपनी में डिबेंचर होल्डर बनना चाहेगा 100 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट भेजनी पड़ेगी। कितने लोग डिबेंचर होल्डर बनना चाहते हैं, 60,000। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 लाख रुपीज़ ये वैल्यू हो जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी,
ये जो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन से पैसे मिले हमें, फिलहाल मैं 100 रुपीज़ लिखता हूँ टू 9% डिबेंचर, यहाँ पे भी आप 100 ही लिखेंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी केस में सीख लिया है कि अगर आपको लौटाना है 110 से तो वो नज़र भी आना चाहिए कि 110 लौटाना है। तो इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे 100 ही लौटाने हैं, लौटाने तो आपको 110 हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये की एक लाइबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी और क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। खास बात ये, अगर मैं ये डाल दूँ तब भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि अब ये टैली नहीं कर रही है। टैली कराने के लिए 10 रुपये डेबिट में भी डालना पड़ेगा, किस नाम से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सबको क्लियर है? अब बस मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। 60,000 नंबर था जिसको हम यूज़ कर रहे थे, तो 60,000 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे हो जाएंगी वो हो जाएगी 60 लैक्स, और ये 6 लैक्स, फिर से 60 लैक्स एंड 6 लैक्स। क्लियर है? अब हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखना है। अब तो रिडम्पशन आएगा, रिडम्पशन की एंट्री हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, लेकिन पहले DRR और DRI दो लीगल फॉर्मेलिटीज़ बीच में आएगी। मैं उनकी कट ऑफ डेट लिख देता हूँ, कौन सी डेट तक क्या काम होना चाहिए। हमें रिडम्पशन कब करने के लिए बोला गया, इसमें इशू जो हमने किया, इसमें इशू की डेट और रिडम्पशन की डेट। इशू जो इस क्वेश्चन में कर रहे हैं वो कौन सी डेट पर कर रहे हैं, 1st of April 2013, और रिडम्पशन कब करने वाले हैं, 31st of December 2016, यही डेट गिवन है। तो दो काम की अलग अलग डेट है। सबसे पहले अप टू 31 दिसंबर 2016, इस डेट से पहले पहले आपको क्या करना है, 25% DRR बनाना है। कौन सी वैल्यू पे बनाया जाएगा DRR, जो डिबेंचर के आगे तुमने लिखा है, डिबेंचर को इश्यू किया तो डिबेंचर के आगे की वैल्यू देखना, 60 लाख, लौटाने 66 लाख है वैसे, लेकिन DRR डिबेंचर के लिए बनाया जाता है, डिबेंचर की वैल्यू के लिए बनाया जाता है, तो ये 25% 60 लाख का होना चाहिए। अगर मैं ये 25% कैलकुलेट करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 लाख रुपीस। ये वैल्यू मुझे DRR में डालनी है 31 दिसंबर 2016 से पहले। 2015 में भी डाल सकता हूँ, 2014 में भी डाल सकता हूँ, लेकिन ये लास्ट डेट है। एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अप टू 30 अप्रैल 2016, क्योंकि हमें रिडम्पशन 2016-17 में करना है, जो फाइनेंशियल ईयर यूज़ होगा वो 2016-17 होगा, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट होती है, जितनी पेमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में होगी उसका 15% DRI पहले महीने के ख़त्म होने से पहले बनाना होगा, 15% DRI बनाना होगा, जो कि 60 लाख का ही 15% निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपीज़। मैंने दोनों लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कैसे DRR और कैसे DRI बनाया गया। लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड डिसाइड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑन 31 मार्च 2014। हमें इस डेट से पहले 15 लाख डालने हैं, एक बार में भी डाल सकते हैं और कई बार में भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है हमने 4 लाख रुपये DRR अकाउंट में डाल दिए 31 मार्च 2014 को, तो 31 मार्च 2014 को 4 लाख रुपए का रिजर्व बनाएंगे। जब भी आप रिजर्व बनाएंगे अपना प्रॉफिट यूज करेंगे, जिसे हम बोलते हैं सरप्लस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितने पैसे की एंट्री कर देंगे, 4 लाख, लेकिन सिर्फ इस एंट्री से हमारा 15 लाख कवर नहीं होता, हमें एक बार फिर एंट्री करनी पड़ेगी कम से कम 11 लाख रुपये की। देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है 5 लाख रुपीज ऑन 31 मार्च 2015, फिर से सेम एंट्री करेंगे 31 मार्च 2015, 5 लाख रुपये और ऐड हो गए DRR में। क्या एंट्री होगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 5 लाख। कितने पैसे अब तक DRR अकाउंट में पहुंच चुके हैं, इस डेट से पहले पहुंचाने पूरा 15 लाख, हमारे अकाउंट में कितने पहुंच चुके हैं अब तक, 9 लाख पहुंच गए। पहले 4 लाख ले, फिर 5 लाख और डर गए, 9 लाख हो गए, 6 लाख की कमी अभी भी है जो हमें 31 दिसंबर तक पूरी करनी है। आगे लिखा है बैलेंस ऑन 31 मार्च 2016, तो 31 मार्च 2016 हम फिर से एक एंट्री करेंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और क्योंकि इसने बैलेंस वर्ड यूज़ किया है तो इसका मतलब बचे हुए 6 लाख हम अपने आप ही यहाँ पे डाल देंगे। हमने टाइम से पहले पूरा कर लिया, हमारे को डेट कब तक की अलाउड थी, 31 दिसंबर 2016, हमारा सारा काम कब तक ख़त्म हो गया, 31 मार्च 2016 तक ही हमने काम फिनिश कर दिया। अभी हमारे पास बचे हुए हैं 9 महीने और,
लेकिन देखा कई बार मैच होता है 50 ओवर का, दूसरी टीम 30 ओवर में रन बना देती तो मैच वहीं पे एंड हो जाता है, ज़रूरी नहीं है फिर बाकी के गेम को कंटिन्यू करना। तो हमारा काम तो यहीं पे फिनिश हो गया। अब एक फॉर्मेलिटी हमने पूरी कर दी है 15 लाख वाली, दूसरी फॉर्मेलिटी अब शुरू हो जाएगी। 30 अप्रैल 2016 को हमें डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यहाँ पर लिखेंगे 30/4/2016 DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, सिर्फ डेट डाल के वो वैल्यू डालनी है, 9 लाख रुपीज़। क्लियर है सबको? 9 लाख रुपये। ये पैसा आपके हाथ में वापस आ जाएगा जब आपके रिडम्पशन की डेट आएगी। तो रिडम्पशन की डेट हमारी कब आएगी इसके अंदर? 31 दिसंबर 2016। इसी एंट्री को एकदम उल्टा कर देंगे जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपीज़। आपके फंड आपके पास वापस आ गए। अब आपने जो दो जर्नल एंट्री सीखी थी रिडम्पशन की इशू के चैप्टर में, वही वाली एंट्री आपको करनी है। आपको 60 लाख और 6 लाख 66 लाख की पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। हमने एक नाम पहले से और लिखा हुआ था, क्रेडिट किया था, उसे भी डेबिट करेंगे। क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 6 लाख रुपीज़ टू डिबेंचर होल्डर्स, कितना? 66 लाख रुपीज़। अगली एंट्री में डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कर दी जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 66 लाख रुपीज़। ये तो दोनों पुरानी एंट्री है। और जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, एक एंट्री आपको और करनी पड़ेगी, क्योंकि रिडम्पशन पूरा हो गया, जो रिज़र्व क्रिएट हुआ था उसे ख़त्म करना पड़ेगा। हमारी आखिरी एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व में जो भी पैसे डले थे उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। कौन से अकाउंट में? जनरल रिज़र्व। अच्छा, कितने पैसे डले थे DRR में? 15 लाख। एक एंट्री भले ही नहीं बनाई थी, कई एंट्री बनाई थी, लेकिन टोटल जो अमाउंट इकट्ठा हुआ था उसमें हुआ था 15 लाख रुपीज़। तो आखिरी एंट्री 15 लाख रुपीज़ से कर दी जाएगी जनरल रिज़र्व की। और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट है। एक इसमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या रोल प्ले करता है और रिडम्पशन में, उसको थोड़ा सा और मैं एलोब्रेट कर लेता हूँ। वैसे मैंने पहले बताया था, अब थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट का परफॉर्मा ये है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 10 लाख रुपए है, बट पैसों की पड़ रही है कमी, बिजनेस ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा। तो कंपनी को लगा अभी पैसे की कमी पड़ रही है, ऐसा करते हैं लोन ले लेते हैं। लोन ले सकते हो, डिबेंचर भी एक लोन ही है। समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि इसे हमने डिबेंचर या लोन ले लिया, बात एक ही समझो इसको, ठीक है ना। 5 लाख रुपए हमने लोन के ले लिए। अच्छा, 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, 10 लाख रुपए की हमारी कैपिटल थी, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख, ठीक है ना। और अगर लाइबिलिटीज़ का टोटल 15 लाख रुपये, तो इसका मतलब असेट्स का टोटल भी कितना होगा? 15 लाख। ये है हमारी कंपनी की बैलेंस शीट। यहाँ पे हमारे पास होंगी सन्ड्री असेट्स जो कि कितने की हैं? 15 लाख। क्लियर है भाई? अब ये जो लोन हमें मिला था 10% इंटरेस्ट पे मिला था फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए पैसा मिला था। अब मेरा सवाल ये है, 5 साल तक तो खैर तुम ब्याज दोगे, 5 साल के बाद जिससे तुमने लोन लिया था वो लोन लौटाना पड़ेगा या नहीं लौटाना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। अच्छा, 5 साल तक तुम्हारी बैलेंस शीट सेम रहेगी या 5 साल में उसमें कुछ चेंजेस भी हो जाएंगे? चेंजेस हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? कुछ प्रॉफिट भी कमाओगे, कुछ ड्राइंग्स भी करोगे, इसकी वजह से तुम्हारी बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी। मैं मान के चलता हूँ कि उस बिजनेसमैन ने हर साल 1,50,000 का प्रॉफिट कमाया, 5 साल में ये प्रॉफिट कितना कमाया? 7.5 लाख रुपये। लेकिन ये बिजनेसमैन कुछ भी प्रॉफिट बचाता नहीं था, जितना प्रॉफिट कमाता था सारा का सारा अपना मौज मस्ती में घर परिवार में खर्च कर देता था, ठीक है भैया। अगर उसने प्रॉफिट कमाया और खर्च कर दिया तो उससे उसके बैलेंस शीट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर ये प्रॉफिट कमाता और खर्च नहीं करता तो प्रॉफिट आपको पता है ना क्या होता है, कहाँ पे जाके ऐड हो जाता है प्रॉफिट? फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन तुम करते थे, प्रॉफिट कहाँ पे जाके ऐड होता था? कैपिटल में ऐड होता था। कंपनी के अंदर प्रॉफिट कैपिटल में ऐड नहीं होता, लेकिन कैपिटल के साथ रिजर्व की तरह इस्तेमाल करता है, रिजर्व या सरप्लस के नाम से इसे लिखा जाता है।
अगर मैं प्रॉफिट कमाऊं और खर्च ना करूं तो वो प्रॉफिट बार बार यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, नहीं इकट्ठा होना पड़ेगा। और अगर मैं प्रॉफिट सारा का सारा बचा दूं तो यहाँ पे मेरे पास कितना प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा? अच्छा, अगर इधर प्रॉफिट इकट्ठा हो गया तो उधर सेट बढ़ेंगी नहीं मेरी? प्रॉफिट आता है तो कैश साथ लेकर आता है, जितना मेरा प्रॉफिट आएगा उतना मेरे पास कैश भी आएगा। अगर मैं खर्च कर दूंगा तो इधर से प्रॉफिट निकल जाएगा, इधर से कैश निकल जाएगा। अगर मैं खर्च नहीं करूंगा इधर प्रॉफिट भी पड़ा रहेगा, इधर मेरे पास कैश भी पड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं हटाया था क्योंकि इसने कुछ बचत तो की नहीं। अगर बचत करता तो 22.5 लाख रुपये हो जाता इधर, और इधर सेट भी कितनी हो जाती है? 22.5 लाख। बट उसने जो कमाया सारा खर्च कर दिया। अब 5 साल पूरे हो गए हैं, जिसने 5 लाख रुपए का लोन हमें दिया था, वो कह रहे जी मेरे पैसे तो वापस करो। अच्छा, इसका पैसा कहाँ से वापस करें? असेट जो तुम्हारे पास हो तो बिजनेस में इन्वेस्ट हो रखे हैं, कोई मशीन है, कोई बिल्डिंग है, कोई फर्नीचर है, कोई कैश के रूप में थोड़ी रखी है असेट, ये तो बिजनेस में यूज हो रही है। ये कह रहा है पैसा दे दो। एक तरीका तो यह है कि असेट बेच दो, इसको पैसा दे दो, लेकिन ये बिजनेस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, फिर कैसे लौटाएं इसका पैसा? कोई दूसरा बैंक ढूंढो। अभी ए बैंक से लोन लिया, लौटाने का टाइम आ गया ना, तो क्या करो, बी बैंक को अप्रोच करो, को भैया लोन दे दे और उससे 5 लाख रुपए का लोन ले लो और इसको 5 लाख रुपए दे दो, उतर गया लोन। क्या ये सही तरीका हुआ लोन को रिटर्न करने का? क्यों? आपने लोन उतारने के लिए फिर लोन ले लिया। इसकी टोपी इसके सर, बस इतना ही किया तुमने। ये तो सही तरीका नहीं हुआ लोन को लौटाने का। अच्छा, सही तरीका क्या था भाई? ये कोई ऐसे कोई बकवास कंपनी नहीं थी, अच्छा काम कर रही थी, 1.5 लाख रुपए कमा रही थी, अपना लोन अपनी इनकम से क्यों नहीं उतारती है? जो कमाया सारा मौज मस्ती में खर्च करें, भैया कुछ पैसे सेव कर लेते, 5 लाख रुपए सेव कर लेते, 2.5 लाख रुपए खर्च कर लेते। हर साल तुम्हें 1.5 लाख रुपए की कमाई मिल रही थी, 50,000 खर्च करते। कर्जा है तो कर्जे का तो ख्याल रखना चाहिए ना। अगर कंपनी ने हर साल 1 लाख रुपए सेव किए होते, मतलब 1 लाख का रिजर्व बनाया होता, तो कुल कितना रिजर्व उसके पास इकट्ठा हो गया होता यहाँ पे? 5 लाख। और रिजर्व आया तो रिजर्व के बराबर का कैश भी इकट्ठा हुआ होता, नहीं होता? तो इधर अगर 5 लाख का रिजर्व आएगा तो इधर उसके लिए क्या हो जाएगा? उतना ही कैश भी तो इकट्ठा होगा, खाली रिजर्व थोड़ी होगा, रिजर्व के साथ कैश आता है। ये अपने घर लेगा, इसलिए रिजर्व भी खत्म और कैश भी खत्म। नई बैलेंस शीट की पोजिशन क्या होती? इधर आपके पास 5 लाख रुपए बढ़ जाते और इधर भी 5 लाख रुपए बढ़ जाते, बढ़ गए। अब लोन लेने जिन्होंने लोन दिया था वो आगे कह रहे जी हमारे पैसे वापस करो, ले जा पैसे पड़े हमारे पास, हमें किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ से हम उसकी पेमेंट कर देंगे? ये जो रिजर्व के 5 लाख रुपए थे, ये सारे के सारे 5 लाख रुपए मैं किसको दे दूंगा? अच्छा, ये पैसा किसके पास चला गया? तो इसका मतलब ये जो रिजर्व है उसने डिबेंचर की रिप्लेसमेंट कर दी, नहीं कर दी? जो पैसा पहले डिबेंचर होल्डर का लगा हुआ था, डिबेंचर का पैसा मैंने इसमें लगाया हुआ था, ये इसका पैसा है, मैंने ये वाला पैसा इसका दे दिया, मतलब इसका सारा का सारा पैसा असेट्स में ब्लॉक हो गया। नहीं, जो पैसा पहले तुमने डिबेंचर से लिया था वो पैसा तुमने असेट में डाल दिया था ना, रिजर्व का पैसा हमने इकट्ठा किया, ये पैसा सारा इसको दे, तो इसके अलावा अब असेट्स में किस किस के पैसे चल रही है? एक तो कैपिटल के पैसे चल रही है और एक रिजर्व के पैसे भी है, क्योंकि ये वाला पैसा हमने इसको हैंड ओवर कर दिया। अब बिजनेस में सिर्फ तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, किसी और का पैसा नहीं लगा हुआ है। ये है रिजर्व बनाने का पर्पस। और इसीलिए जब रिडम्पशन हो जाता है तो हम रिजर्व का नाम बदलते हैं। जब तक डिबेंचर था तब तक हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व खत्म नहीं हुआ है, रिजर्व अभी भी है। अब बिजनेस रिजर्व से चल रहा है, पहले डिबेंचर के पैसे से बिजनेस चल रहा था, अब वही बिजनेस किसके पैसे से चल रहा है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के पैसे से चल रहा है। लेकिन अब डिबेंचर खत्म हो गए इसलिए इसका नाम बदल के क्या कर रहे हैं? जनरल रिजर्व। खत्म नहीं कर रहे जनरल रिजर्व को, डिबेंचर रिडम्पशन खत्म नहीं कर, खत्म थोड़ी हो गया, रिजर्व तो पड़ा है, डिबेंचर खत्म हुआ है, रिजर्व तो अभी भी पड़ा हुआ है, हमने उसका नाम बदल दिया, उसका नाम हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से क्या कर दिया? क्लियर बात समझ गए कि रिजर्व का पैसा बिजनेस में है, डिबेंचर का पैसा बिजनेस से आउट हो गया। और इस चीज को बोलते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और मैंने आपको बोला था मौका मिले तो 100% रिजर्व बनाने की कोशिश करना, मिनिमम 25%, कम से कम कुछ तो लोन कम करो। लोन भी अगर दूसरे से लेने जाते तो कम से कम पिछली बार से तो कम लोन मांगो, कि पिछले साल 5 लाख लोन मांगा था तो इस बार कम से कम कुछ तो कम कर दो भैया, 2.5 लाख का ही लोन लो। कोशिश करो 50% तो कम से कम अपना बना लो, 25% तो अपना बना लो, और मौका मिले तो कितना बना लेना चाहिए?
मौका मिले तो पूरा 100% बना लेना चाहिए। अगर तुमने 100% रिजर्व बना लिया तो अगली बार लोन लौटाने के लिए तुम्हें कोई लोन लेना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये पर्पस होता है DRR बनाने का, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हैं ताकि लोन हम आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकें, रिडीम, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है ना डिबेंचर व रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट, तो समझ लेना फिर DRR 25% नहीं बनेगा, 100% बनेगा, तब DRR 100% होगा, 100% जनरल रिजर्व बन जाएगा। क्लियर है? दूसरी फॉर्मेलिटी DRI की है। DRI की फॉर्मेलिटी तो जो कैश होता है ना, सारा पैसा कैश के रूप में नहीं रख सकते आप। सरकार कहती है सारा पैसा कैश में रहो, इसका 25% में से कितना 15% इन्वेस्ट करो। अभी थोड़ी पैसा चाहिए, पैसा तो बाद में चाहिए। कैश के ऊपर जो पैसा पड़ा होगा उस पर कोई कमाई भी नहीं होती, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी। कैश रखने से क्या फायदा, 5 साल बाद पैसा लौटाना है तो जब पैसा लौटाना होगा तब तुम्हें कैश देंगे, तब तक इसे इन्वेस्ट करके रखो। तो हम ये पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ कमाई इन्वेस्टमेंट से लेते हैं, और जब रिडेम्पशन की डेट आती है उस इन्वेस्टमेंट को किस में बदल देते हैं, कैश में बदल देते हैं, और पैसा डिबेंचर होल्डर के पास दे देते हैं। पूरा सब कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है,